हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पोयम ड्रेन ऑन द रूफ पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? व्हाट थॉट फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो जब स्काई में, जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है, क्या हमने कभी पैटर यानी जो साउंड की टप 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 वाली आवाज़ होती है उसे पैटर कहा जाता है। नर्म नर्म जो बारिश होती है उसकी बूंदों की आवाज़ सुनी है हमने ध्यान से छत पर, टप 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 वाली साउंड। व्हाट थॉट फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड, क्या ध्यान में आती है हमें ये बात सुनकर, ऐसी आवाज़ सुनकर? हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, क्या हमने कभी ये ऐसी आवाज़ सुनी है नेचर की? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। अब हम इसी पोएम में, इस पोएम में यही देखेंगे कि जो पोएट है उन्हें क्या फील होता है, वो क्या सपना देख लेते हैं। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ऑल ओवर द स्टेरी स्फीयर्स एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स। देखिए इसका क्या मतलब है, जब जो ह्यूमिडिटी है यानी जो हमारा जो आसपास का जो वातावरण वो शेडोज़ यानी अंधेरा जैसा हो जाता है, उसमें मेलनकोली डार्कनेस का यानी मेलनकोली का मतलब होता है बारिश, मतलब आसमान रोता है। बारिश क्यों होती है, पोएट बताते हैं कि जब आसमान रोता है, जैसे हम रोते हैं तो हमारे आंसू निकलते हैं, जब आसमान रो रहा है तो उसके भी आंसू निकल रहे हैं। मेलनकोली डार्कनेस यानी बहुत अंधेरा छा जाता है और जो टीयर्स हैं रेन के वो नीचे गिरते हैं। वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ब्लिस का मतलब है कितनी खुशी मिलती है उस टाइम पिलो को प्रेस करने में, दबाने में। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, उनका एक कॉटेज है, एक झोपड़ी टाइप की मतलब अच्छी सी बनी हुई है खेत वेत के आसपास, वहाँ पर है उनकी। तो वो वहाँ पर बैठे बैठे बहुत अच्छे तरीके से साउंड को, जो रेन की जो आवाज़ है उसे महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने किससे कंपेयर की है, मेलनकोली डार्कनेस एंड लाई लिसनिंग टू पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। वही मतलब है कि लेटे लेटे अपनी छत पे जो बारिश गिर रही है उसकी आवाज़ सुनना कितना अच्छा है। इसमें एक बात फ्रेंड्स बहुत रिपीट होगी कि बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा है, बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा है, सब कुछ इस पर ही बेस्ड है। मेन चीज़ में यही है कि पोएट को बहुत अच्छा लग रहा है बारिश की आवाज़। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। बारिश की टिंकल यानी बारिश की टप टप टप, शिंगल्स होते हैं जो छत पे लकड़ी के, रूफ लकड़ी की होती है वो होती है, जैसे कहीं देखिए मीनिंग भी लिखा है आपको सर, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स ऑन द रूफ। वुडन टाइल्स जो लकड़ी के टाइल्स लगे होते हैं छत पर उन्हें कहा गया है। जब इस पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो ईको यानी दिल में गूंजती हैं। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हज़ारों नए नए ड्रीम्स आते हैं। इन टू द बिज़ी बींग स्टार्ट, फिर मैं बिज़ी हो जाता हूँ ना सोचने में। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, और थाउजेंड्स ऑफ पुरानी यादें, हज़ारों पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। वीव देयर एयर थ्रेड इन टू द वूफ, इसका मतलब यही मतलब वो अपने पुरानी यादें फिर से वापस आ जाती, पुरानी यादें मेरे दिल में बनने लगती हैं यानी बनने लगती हैं फिर से। As I listen to the patter, जब मैं ये patter टप 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 सुनता हूँ, of the rain upon the roof, रूफ के ऊपर बारिश होती है तब। Now in memory comes my mother, मेरी memory में, मेरी याद में कौन आती हैं, मतलब जो dreamy fancies हैं वो कौन है, poet की mother and her cousins, sister brothers, I mean आगे होगा है नहीं तो कोई बात नहीं, केवल mother तो है इसमें ज़रूर।
एज शी यूज इन ईयर्स एगोनी. एगोनी का क्या मतलब होता है? पीड़ा, दुख, दर्द. दर्द होता है एगोनी का मतलब. उन्होंने, मेरी माँ ने कई सालों तक दर्द सहा है, यानी वो मर गई होंगी आई थिंक. और फिर इसी, वो मरी किस लिए होंगी? कई सालों का जो दुख है उनकी, मतलब कोई बीमारी होगी, दुख दर्द तो तभी होगा, कुछ बीमारी वगैरह होगी, तो उस दर्द से ही वो मर गई. आई थिंक मर गई है इसमें शी, क्योंकि इसमें आंसर में भी यही लिखा जाएगा, नहीं है. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. डार्लिंग, डार्लिंग ड्रीमर्स किसे कहा गया? पोइट की, मतलब उनकी याद में कौन आती हैं? मदर आती हैं उनकी. शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन. सो आई फील फॉर फॉन्ड फॉन्ड ऑन मी. और मैं देख, और वो हम पे बहुत प्यार से देखती थी, हमारा, मुझ पर, मेरे भाई बहनों पे बहुत अच्छे से देखती थी, क्योंकि उन्हें लग रहा हो कि मैं नहीं रह पाऊँगी, तो बहुत प्यार देखती थी हम लोगों को. फॉन्ड, वो हम लोगों को बहुत अच्छे से देखती थी. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यानी इस दुख को, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर्न ऑफ द रेन. वूफ, देखिए वूफ का क्या मतलब है? थ्रेड्स वूवन, भाई जो हम थ्रेड्स वूफ करते हैं. एयर का मतलब पोएटिक डिवाइस वर्ड फॉर बिफोर. रिफ्रेन जो भी आया, अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम. हेयर द साउंड ऑफ द रेन. यहाँ रिफ्रेन का एक क्या मतलब है? एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, क्या मतलब है इसका? साउंड यानी बारिश की आवाज़ मुझे, और मैं जब उन, मतलब जब इस बारिश की आवाज़ में सुनता हूँ तो मुझे वो पल याद आ जाता है जब हमारी माँ हमें बहुत प्यार से देखती थी. विच इज़ प्लेड अपॉन, और ये बारिश की टप टप कहाँ हो रही है? शिंगल्स पे, बाय द पैटर ऑफ द रेन. किसकी वजह से? बारिश के गिरने की वजह से. लिस्ट ओल्ड पोएटिक डिवाइस फॉर लिसन. लिसन जब, यहाँ पर लिस्ट का क्या मतलब है? एज आई लिसन, क्या है? एल आई एस टी एंड लिसन, इसका मतलब है जब वो इस रिफ्रेन यानी इस जो म्यूज़िक उनकी जो क्या कहते हैं वो जो बारिश की आवाज़ है उसे जब वो सुनते हैं तो उन्हें ये याद आता है कि उनकी माँ उनका कितना अच्छे से ध्यान रखती थी. तो मेन इसमें क्या था फ्रेंड्स? उन्हें मेलनकोली डार्कनेस से कंपेयर किया, यानी जो बारिश हो रही है वो क्यों हो रही है? जब बादल रो रहे हैं इसलिए. और पिलो को ब्लिस करना या दबाना बहुत अच्छा लगता है उस टाइम, घर में बैठे बैठे आराम से बारिश की आवाज़ सुने ध्यान से किसी दिन, बहुत अच्छा लगता है. और उन्हें आवाज़ कैसे अच्छी लगती है? बारिश की टप टप जो शिंगल्स पे यानी वुडन टाइल्स पर, जो रूफ्स पे लगे होते हैं, छतों पर लगे होते हैं, उन पर. और काफ़ी सारे हज़ारों ड्रीम्स आ जाते हैं उनके माइंड में, और हज़ारों रिकलेक्शंस यानी हज़ारों पुरानी यादें भी अपना एक कपड़ा बुनने लगती हैं, यानी उनके दिमाग में बुनने लगती, बुन जाती हैं, यानी बन जाती हैं, पुरानी यादें वापस आ जाती हैं जब वो इस पैटरिंग साउंड को सुनते हैं. और उनकी मेमोरी में क्या आती है मेन चीज़? उनकी मदर आती हैं, जो कि उनके लिए डार्लिंग ड्रीमर्स थी, यानी बहुत प्यार से उनके लिए वो ड्रीम, उन्हें ड्रीम में, सपने में आ जाती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है उनकी मदर. अब नहीं है, और उन्हें उनकी मदर कैसे, उनकी डेथ हो गई एगोनी यानी दर्द में उनकी डेथ हो गई. यहाँ डेथ का है तो नहीं, लेकिन यहाँ डेथ से ही रिलेटेड है ये चीज़. और उन्हें क्या चाहता है कि जो उनकी मॉम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से देखती थी, प्यार भरे नज़रों से, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था. तो फ्रेंड्स, यही है इस पोएम में. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि ये हैं इसके. तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.